हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट लास्ट क्लास में बच्चों देखा था हाइपोथैलेमस हाइपोथ्यूटी ग्लैंड से रिलीज हार्मोन्स के नाउ उन हार्मोन्स के आपको फंक्शंस पता होने चाहिए प्लस उनसे क्या डिजीज हो जाएगी उनके हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन से हाइपर मतलब ज्यादा सिक्रेशन होना हाइपर होना ठीक है और हाइपोसिक्रेशन दैट मीन सिक्रेशन कम होना तो सिक्रेशन ज्यादा होगा तब भी डिजीज कॉज हो जाएगी और सिक्रेशन कम हुआ तब भी डिजीज कॉज हो जाएगी फर्स्ट वन हमारा कौन सा था ग्रोथ हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है बनता भी वहीं पे है रिलीज भी वहीं पे होता है लेकिन इसको बनाने का इंस्ट्रक्शन कौन देगा रिलीज करने का इंस्ट्रक्शन कौन देगा दिस वन इज रिलीज द हॉर्मोन जी एच आर एच बाय द हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस इसको इंस्ट्रक्शन देता है कैसे इंस्ट्रक्शन भेजेगा रिलीज करके हॉर्मोन जी एच को रिलीज करके जैसे ही पहुंचेगा आपके ब्लड में वो ग्रोथ हार्मोन के जो ग्लैंड है है ठीक आई मीन पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके अटैच हो जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि अब मुझे हार्मोन सीक्रेट कर देना चाहिए तो ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉडी ग्रोथ ओनली फिजिकल ग्रोथ मेंटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है फिजिकल ग्रोथ जो भी चीज फिजिकल ग्रोथ करवाएगी उसको चाहिए होगी एनर्जी ठीक है ओके तो एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होगा ग्लूकोज का तो ये ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी ताकि ब्लड में ग्लूकोज का मान उठाए ठीक है दैट मीन इंक्रीज अ फंक्शन लिखेंगे इट इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस यानी कि जितना भी ग्लाइकोजन है उसको तोड़ के क्या बना देना ग्लूकोज बना देना नेक्स्ट ग्लूकोनियोजिज के बहुत बार बेटा मैंने आप लोग को बताया है ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या है नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का बनना जैसे कि अमाइनो एसिड एंड फैट्स उससे भी ग्लूकोज बन सकता है आपका ग्लूकोन्यू प्रोसेस बोलते हैं इसको और ये ग्रोथ हार्मोन करवा रहा है प्लस ठीक है आपका अगर इसका हाइपर सिक्रेशन होता है बेटा ज्यादा सिक्रेशन होता है तब एक है चाइल्ड में डिजीज कॉज होने वाली डिजीज है दिस वन इज अ अग्नेटिजम ओके गिग्नेटिज्म इसमें जो है पर्सन क्या हाइपर सिक्रेशन हाइपर ग्रोथ हो जाती है बहुत ज्यादा ग्रोथ 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 हो हो जाती है है ठीक हाइपर के इस दिस वन इज अ इंक्रीज जाएगी अपनी एज से ज्यादा बड़ा लगने लगेगा बच्चा ठीक है सेकेंड वन इज जो अडल्ट में कॉज होती है यहाँ लिख देंगे चाइल्ड और अडल्ट में पूछा जाता है बेटा अडल्ट में जो डिजीज कॉज होती है दिस वन इज कॉल्ड एक्रोमेगैली एक्रो मेगैली एक्रोमेगैली इज डिजीज दिच वन इज अकर इन अडल्ट ओके ये हाइपर से हो रहे हैं हाइपोसिक्रेशन की अगर मैं बात करूं बेटा हाइपोसिक्रेशन से डिजीज कॉस हो जाती है ठीक है इसमें क्या होगा पर्सन की हाइट लेस देन फोर फिट थ्री टू फोर फिट के फिजिकल ग्रोथ रिटार्डेड रिटार्डेड द फिजिकल ग्रोथ इसका सिम्टम्स है मेनली Or stunted growth, stunted growth. Growth of body. ठीक है नेक्स्ट हॉर्मोन अब इसको कंट्रोल कौन करता है अगर ये नहीं कंट्रोल हुआ तो हमारी हाइट एट फिट के अराउंड ठीक है फिजिकल बॉडी ये सब इंक्रीज हो जाएगा तो उसको कौन रेगुलेट करता है इसको रेगुलेट करता है जी एच आई एच ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल ब्लड में एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है ठीक है ठीक एक पर्टिकुलर एज तक जब ग्रोथ बढ़ जाती है तब ये ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो जाके अटैच हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि अब ग्रोथ हार्मोन को रोक देना चाहिए ठीक है अब ग्रोथ इसको कैसे पता चला हाइपोथैलेमस को कि लेवल ज्यादा हो गया है लेवल ज्यादा होने से क्या होता है ये ग्रोथ हार्मोन का जब लेवल ज्यादा हो जाएगा तो ये हाइपोथैलेमस पे चले जाते हैं ठीक है हाइपो ब्लड फ्लो कर रहा है ना तो ब्रेन वाले पार्ट में जैसे ब्लड पहुंचा तो उसको इंडिकेशन मिल जाता है कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा हो गया इसको कंट्रोल करने के लिए रिलीज होता है जी एच आई एच किसके पास पहुंचेगा ग्लैंड के पास समझ गया ग्रोथ हार्मोन पहुंचा पे ऐसे लिखेंगे पहुंचा पे ने किया, G -I -H और जी आई एच पहुंचा पिट्यूटरी ग्लैंड पे की ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन रोक दिया जाए ठीक है सेकेंड हार्मोन हमारा था मिलानिन या मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन जो मिलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है मिलानोसाइट्स आपकी सेल्स हैं जो मिलानिन का सीक्रेशन करती हैं। मिलानिन इज रिस्पांसिबल फॉर द स्किन पिगमेंटेशन स्किन के कलर के लिए रिस्पांसिबल है मिलानिन मिलानिन अगर जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा स्किन का कलर उतना डार्क होगा ये मिलानिन आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अदर रेडिएशन से प्रिवेंट करती है ठीक है तो स्किन को प्रिवेंट करने के लिए क्या है आपके पास मिलानिन है तो जो पर्सन जिनके पास मिलानिन बहुत कम है वो पर्सन इस कंडीशन को बेयर नहीं कर पाते और बहुत स्किन डिजीज भी कॉज हो जाती है सो मेलानिन इज सारीबल फॉर द स्किन पिगमेंटेशन और कलर और मेलानिन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है आपकी मिलानोसाइट से तो मिलानोसाइट को स्टलेट करने वाला एंजाइम इज द अमएसएच कौन रिलीज कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड किसके इन्फ्लुएंस में रिलीज करेगा एम आर एच मिलैनिन रिलीजिंग हॉर्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से आएगा इंस्ट्रक्शन हमेशा हाइपोथैलेमस से ही आता है ये कहा जाके एक्ट करेगा एक्ट ऑन मिलैनोसाइट मिलानोसाइट पे जाके कि एक्ट किया मिलेनोसाइट ने क्या रिलीज किया मिलैनिन रिलीज किया मिलानिन का सीक्रेशन मिलानिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अच्छा अब मिलानिन का सिक्वेशन ज्यादा होने से तो कुछ नहीं होगा स्किन डार्क हो जाएगी कम होने से एक डिजीज कॉज हो जाती है एल्बेनिजम्स जिसको कहते हैं बिल्कुल का कलर भी गायब हो जाता है ओके आईब्रोज का कलर भी गायब हो जाता है आईलेश का कलर भी गायब हो जाता है इस बिकम आ व्हाइट सब पूरा व्हाइट बन जाता है स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हाइपोसिक्रेशन से हाइपोसिक्रेशन से कॉज हो जाती है डिजीज बी एलबीआई एल्बेनिजम्स ठीक है चलो नेक्स्ट वन इज प्रोलैक्टिन अब इसको रोकने के लिए भी कोई होगा ना एम एस एच को रोकने के लिए एम आई एस मिलानोसाइट इनहिबिट हॉर्मोन मिलानोसाइट मिलान इनहिबिटरी हॉर्मोन तो ये जाके जैसे ही मिलान का लेवल बढ़ गया बॉडी में तो ये जाके इसको रोकेगा को कि एच का सिक्रेशन मत करवा ठीक है अब नेक्स्ट है आपका प्रोलैक्टिन थर्ड वन इज यहाँ पे थर्ड आ रहा है और यहाँ पे सर प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है इसको कौन रिलीज करवाएगा पी आर एच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हॉर्मोन प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैमलरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए मैमलरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए प्लस दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन अ मिल्क ग्लैंड ठीक है तो ये क्या कर रहा है डेवलपमेंट कर रहा है

पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन दो कि वो अब प्रोलैक्टिन को रिलीज करना बंद कर दे उसके लिए हार्मोन है पी आई एच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हम ये बेटा पढ़ रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है ना लिख लोगे कॉपी में ऊपर दिस वन इज एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी के भी मैंने पार्ट बताए थे आपको पार्स डिस्टेलिस पार्स इंटरमीडिया तो ये हम पार्स डिस्टैलिस पढ़ा है हमने पार्स इंटरमीडिया से एक ही हार्मोन है वो है आपका मेलानिन ठीक है मेलानिन इज रिलीज्ड या मेलानिन की जगह एम पढ़ सकते हो एम एस एच इज रिलीज्ड बाय द ओनली पायर्स इंटरमीडिया बाकी सारे पायर्स डिस्टेलिस के हार्मोन हैं ठीक है प्रोलैक्टिन हो गया इसके बाद आ जाएंगे थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इसको मैं रब कर देती हूँ, ओके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा

ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है ताकि ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन कर पाए ठीक है कोई रिलेटेड डिजीज नहीं है वो थार के अंदर पड़ेंगे डिजीज सिंपल ठीक है ये सारी डिजीज आप पड़ेंगे में यहां पे सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूं पहले भी नेक्स्ट हार्मोन आपका थर्ड हो गया फोर्थ हो गया है ना फिफ्थ वन और कौन सा हमारा गोनेडो ट्रॉपिंग रिलीजिंग हॉर्मोन गोनेडो ट्रॉपिन ठीक है हा गोनेडो ट्रॉपिक आ जाएगा यहां पे रिलीजिंग हॉर्मोन यहाँ पे हमेशा रिलीजिंग वर्ड आएगा हाइपोथैलेमस से जो रिलीज होंगे यहां पे हमेशा स्टूमलेटरी आएगा तो गोनेडो ट्रॉपिक ট্ৰপিন আজা বট গ্ৰপিন হাৰমোন গনাইডোট্ৰিন হাৰমন গ